दुमका हवाई अड्डा रोड में राजभवन के निकट मुख्य सड़क से अचानक धुआं निकलने लगा, जिससे मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और जमीन के नीचे लगी आग को बुझाने में जुटी। करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पे काबू पाया गया। धुआं निकलने की वजह से घटनास्थल के आसपास अफरा तफरी का माहौल रहा। दुमका हवाई अड्डा रोड में राजभवन के निकट मुख्य सड़क से अचानक धुआं निकलने लगा, जिससे मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और जमीन के नीचे लगी आग को बुझाने में जुटी। करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पे काबू पाया गया। धुआं निकलने की वजह से घटनास्थल के आसपास अफरा तफरी का माहौल रहा। दुमका हवाई अड्डा रोड में राजभवन के निकट मुख्य सड़क से अचानक धुआं निकलने लगा, जिससे मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और जमीन के नीचे लगी आग को बुझाने में जुटी। करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पे काबू पाया गया। धुआं निकलने की वजह से घटनास्थल के आसपास अफरा तफरी का माहौल रहा। दुमका हवाई अड्डा रोड में राजभवन के निकट मुख्य सड़क से अचानक धुआं निकलने लगा, जिससे मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और जमीन के नीचे लगी आग को बुझाने में जुटी। करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पे काबू पाया गया। धुआं निकलने की वजह से घटनास्थल के आसपास अफरा तफरी का माहौल रहा। दुमका हवाई अड्डा रोड में राजभवन के निकट मुख्य सड़क से अचानक धुआं निकलने लगा, जिससे मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और जमीन के नीचे लगी आग को बुझाने में जुटी। करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पे काबू पाया गया। धुआं निकलने की वजह से घटनास्थल के आसपास अफरा तफरी का माहौल रहा। दुमका हवाई अड्डा रोड में राजभवन के निकट मुख्य सड़क से अचानक धुआं निकलने लगा, जिससे मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और जमीन के नीचे लगी आग को बुझाने में जुटी। करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पे काबू पाया गया। धुआं निकलने की वजह से घटनास्थल के आसपास अफरा तफरी का माहौल रहा।